गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम। कल भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम को पहचानना और उन्हें सॉल्व करना, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आपको कैसे करना होता है उन्हें सॉल्व। आपको रीडिंग करनी है, फर्स्ट कंसेप्ट उसका ये, फर्स्ट उसका रूल ये है, पॉइंट ये है कि आपको जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको कम से कम 2 बार अच्छे से रीड करना है। फिर उसका देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, आपसे कह क्या रहा है, क्या क्वेश्चन उसने पुट किया। हाउ मेनी मोर पीपल आर देयर इन द विलेज में। रीड द स्टेटमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज 26,820 इन विलेज बी विच इज 125 किलोमीटर अवे हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 37,648। हाउ मेनी मोर पॉपुलेशंस आर देयर इन विलेज में। अब देखो, कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें अननेसेसरी उसमें स्टेटमेंट दी होती है, जिनकी हमारी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए ऐसा लिखता है, उनका कोई रोल नहीं होता। तो आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। जैसे इसमें ये लाइन इन विलेज बी विच इज़ 125 किलोमीटर अवे, इसका हमारी वर्ड प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसे इग्नोर कर दीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि विलेज ए में इतनी पॉपुलेशन है और विलेज बी में इतनी पॉपुलेशन है, तो हाउ मेनी मोर पीपल आर देयर इन विलेज बी। विलेज बी में विलेज ए से कितने पीपल ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब विलेज बी में ज़्यादा है, तो हमें ये बताना है कि कितने ज़्यादा हैं। देखो, मान लो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 4 और दूसरा नंबर दिया मैंने 7, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 7 4 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, 7 में से 4 को माइनस करोगे, बड़े में से स्मॉल वाला माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह बिग में से स्मॉल को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, मोर पॉपुलेशन या मोर पीपल ऑफ विलेज बी, जितने हैं आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 10,828 पॉपुलेशन इज मोर ऑफ विलेज बी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती हैं जिनमें अननेसेसरी उसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनका हमारे उससे कोई रोल नहीं होता। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फोटो एल्बम कैन होल्ड 1,600 फोटोज। मीरा कीप्स 623 फोटोज इन द एल्बम एंड हर सिस्टर कीप्स 529 फोटोज। हाउ मेनी मोर फोटोज कैन बी पुट इन द एल्बम। देखो, एक एल्बम की बात हो रही है, एक एल्बम में 1,600 फोटोज आ सकती हैं। मीरा उसमें 623 फोटो रखती है और उसकी सिस्टर उसमें 529 फोटोज रखती है। बताओ और कितनी फोटोज उस एल्बम में आ सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 टर्म्स में होगा। देखो, पहले तो हमें ये निकालना है कि उन दोनों ने कितनी फोटोज उसमें डाली। तो मीरा की फोटोज दिस, हर सिस्टर की फोटोज दिस, टोटल फोटोज उन्होंने कितनी डाली, 1,152। अब हम एक पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरे पार्ट में हमें ये करना है कि एल्बम की कैपेसिटी कितनी है, एल्बम कितनी फ़ोटो होल्ड कर सकती है, 1,600। मीरा और उसकी सिस्टर ने कितनी फ़ोटोज़ डाली, 1,152। और कितनी फ़ोटोज़ आ सकती हैं, मोर फोटोज़ कैन बी पुट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 448 मोर फोटोज कैन बी पुट। तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से करनी है, स्टेटमेंट रीड करनी है और समझना है, जैसे आज मैंने समझाया आपको, इस क्वेश्चंस को भी समझना है जो मैंने सेकंड वाला करवाया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आती हैं जो 2 टर्म्स में होते हैं, 2 स्टेप में जाके होते हैं। फर्स्ट में आपको देखना होता है कि आपको एडिशन कला करना है या कैसे भी करना है, और सेकेंड में आपको उसको फिर सॉल्व करके दिखाना होता है। तो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अपनी असाइनमेंट में इन सम्स को कीजिए और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में भी करके देखिए। थैंक यू।